हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में जो हिडन ब्रेक टेस्ट है उसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, ये फिगर ब्लॉक या ब्रिक से मिलकर बना है जो कि सेम साइज के हैं। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको उन ब्रिक्स को काउंट करके बताना है जिनका सरफेस या एज आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि आप इस ब्लॉक को देख लीजिए, इस ब्लॉक का आपको एक सरफेस दिख रहा है तो इसे आपको काउंट नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे की ओर देखिए, आपके तीन ब्लॉक हैं। अब इसके इस इन ब्लॉक के इस ब्लॉक के पीछे देखेंगे तो इसमें एक ब्लॉक आपको नहीं दिख रहा है। इस ब्लॉक के पीछे देखेंगे तो नीचे की ओर दो ब्लॉक हैं तो वो भी आपको नहीं दिख रहे हैं। और इस ब्लॉक के पीछे देखेंगे तो इस ब्लॉक के पीछे भी आपको एक ब्लॉक नहीं दिख रहा है। तो टोटल कितने हो गए? चार। तो इसका आंसर हो जाएगा चार। तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ऑप्शन चार सेलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए, इस ब्लॉक के पीछे आपको एक ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इस ब्लॉक के पीछे आपको दो ब्लॉक हैं इधर साइड में, आगे साइड में, तो वो भी आपको नहीं दिख रहा है। तो कितने ब्लॉक हो गए? टोटल हो गए ब्लॉक तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा तीन। तो आपको इसी तरह आगे आने वाले समय में हिडन ब्रिक टेस्ट के क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि हिडन ब्रिक टेस्ट के भी क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि RRB पटना में 2014 में ये हिडन ब्रिक टेस्ट का क्वेश्चन आया था। जो आप ब्रिक टेस्ट जो मैं दे रहा हूँ, जो सॉल्व कर रहे हैं आप, उसकी जगह पर हिडन ब्रिक टेस्ट पूछा गया था। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।